जेल हिला के चुप ना वही में छी लागल चुप ना चुप ना चुप ना नागालैंड के मुरियानी जिले के चांगकी में गुरुवार को हुए एक ट्रक हादसे में मधवापुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव के एक चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर परिवार सहित पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों से मिली सूचना अनुसार प्रखंड क्षेत्र के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के बिहारी निवासी स्वर्गीय रामदेव शाह के पुत्र महेंद्र शाह बीते 32 वर्षों से आसाम के ग्वालपारा में रहकर ट्रक चलाते थे। वो 2 महीने पूर्व ही पिता के देहांत होने पर घर आए थे और श्राद्ध कर्म के बाद अभी 1 सप्ताह पहले ही वापस असम चले गए थे। ये अभी तो नया पकड़े हैं, जो पहले थे आसाम में ग्वालपारा में, वो काफी दिन से वहाँ रहते थे। 6-7 दिन पहले गए थे, उनके बाबूजी देहांत हो गया था। दो महीना हुए हैं। तो उसके बाद सारा काम संपन्न करने के बाद वो अभी 6-7 दिन पहले गए ही थे। अन्य दिनों की तरह गुरुवार की सुबह वह बालू लदा ट्रक लेकर असम के ग्वालपारा से नागालैंड के लिए निकले थे। इसी क्रम में मुरियानी जिले के चांगकी में ट्रक पहाड़ों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जहां ट्रक का केबिन टूटकर उसके शरीर पर गिर गया, जिससे मौके पर ही केबिन में दबकर उसकी मौत हो गई। हमारे साथ उनके बड़े पुत्र हैं, नाम बताएंगे अपना। मुकेश कुमार सर। कैसे हुआ या ये घटना कैसे हुई है? पापा गाड़ी लेके जा रहे थे, उसमें माल लदा हुआ था, अचानक या तो पता नहीं कि कैसे हुआ, लेकिन आगे पहाड़ था, पहाड़ में टकरा गए। पहाड़ में टकराने के बाद वो गाड़ी इतना खराब था, उसमें मेंटेनेंस नहीं होने के कारण पीछे वाला जो पोर्शन केबिन में जो पोर्शन होता है वो टूट करके पापा के शरीर पे गिर गए हैं। वो टूटने के बाद शरीर पे गिरे हैं तो पापा उसमें दब गए हैं, जिस कारण, और वहाँ पे आदमी सब था कि नहीं था वो तो पता नहीं, जिस कारण वो उनका। घटना की जो सूचना है कैसे मिली आपको? घटना की सूचना वहीं पे एक पापा के साथी थे, वो थोड़ा दूर हट के रहते हैं, वो हमको कॉल किए हैं। फिर उनसे मेरे पापा को जो अति गाड़ी ऑनर है उनका नंबर मिला है, उनसे बात किए हैं तो वो बोले कि ऐसे ऐसे डेथ कर गए। कब मतलब आप लोगों को सूचना कब मिली? ये 8 से 9 के बीच, 8:30 के करीब मिली। और घटना कब की है? घटना वही 7, 7:30 या 8। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन। क्या करते हैं आप? कंपटीशन का तैयारी करते हैं रेलवे का। सबसे बड़े हैं आप जी? उसके बाद मेरा भाई एक है जो पॉलिटेक्निक का तैयारी है फाइनल ईयर में, और मेरी बहन BLED करती है माधोपति से। तो आपके परिवार में मतलब आय का जो साधन था वो पापा ही कमाते थे? पापा ही उसके थे बस, बाकी कोई कमाने वाले नहीं है, कोई उपाय नहीं। तो दुखों का जो बोझ है इस परिवार के ऊपर टूटा है और बड़ा ही अन्याय हुआ है इस परिवार के साथ। कहते हैं ईश्वर के हाथों में न्याय और अन्याय का अधिकार होता है, लेकिन कभी कभी ऊपर वाला भी बहुत ही बेरहमी से अन्याय करता है, और जिसका परिचायक है यह जो आज हृदय विदारक घटना हुई है। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम विमल कुमार हुआ। कैसे हुई है घटना के बारे में आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? सुबह 8 बजे फोन आया किसी दूसरे, जब उसका महेंद्र शाह का जो बता रहे हैं उसका नाम, उनका मोबाइल ऑन करने के बाद कोई इसके लड़के के मोबाइल पर मुकेश कुमार के नाम पर फोन किया है और बताया कि आपके पापा का मृत्यु हो गया, गाड़ी की दुर्घटना हो गई है, उसमें चप गया हुआ था। तो हम लोगों ने मुकेश को बताया, हम लोग मधुबन में थे, वहाँ से आए, तब से इसी में तो लगे हुए हैं। और अभी क्या स्थिति है वहाँ की, मतलब उनका संस्कार कर दिया गया? नहीं, कल सुबह 8 बजे संस्कार कर दिया जाएगा वहाँ पे जोरहाट में, हमारे गांव के जो भी लोग होंगे सबको रात में कहा जाएगा, वहाँ पहुँचकर संस्कार कर दिया जाएगा। अभी जो इस परिवार की स्थिति है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, कोई इनके परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, इसके अलावा अभी कोई नहीं है। 3-3 बच्चे पढ़ाई कंप्लीट, तैयारी पॉलिटेक्निक, लड़की भी, वो भी आपके दरभंगा कॉलेज में, सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सब बच्चे और परिवार के एकमात्र कमाऊ के आय पर आश्रित थे ये सभी। और आज जो यह हृदय विदारक घटना हुई है उसके बाद से इस परिवार के समक्ष एक चुनौती, एक संकट उत्पन्न हो गया है कि आखिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। सरकार से यही व्यवस्था करना चाहता हूँ कि इस तीनों बच्चे को भविष्य बना दें, बस जरूरी है, सरकार से मैं आग्रह करता हूँ। नहीं, आप लोग बोल रहे हैं और हम लोग भी इस स्तर पे पहल करेंगे, जहाँ तक जो सहायता मुहैया करा सके हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। जो भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हो, ब्लॉक के भी जो CO साहब हो, BDO साहब है, कोई इस मैटर पर आकर कोई कुछ आगे की उपाय सोचेगा? हाँ बिल्कुल, जरूरी है, प्रतिनिधि हो या तो ब्लॉक के ही कोई स्टाफ, कोई भी हो, हम लोग बात करते हैं। 10 तारीख को एग्जाम था, वो भी इस अति के कारण लगता है। 10 तारीख को था एग्जाम था हमारी दोनों लड़का लड़कियां हैं। क्या नाम है बुआ आपका? क्या करते हैं आप? BLED करते हैं, बाइक माधोपट्टी से। BLED कर रही हैं? किस वर्ष की छात्रा हैं आप वहाँ? BLED
फर्स्ट ईयर। अभी ऐसे भी चल रहा है, उसमें भी नहीं जा सकते। आज गए थे वहीं पर, वहां पे जाके पता चला। फिर जब खत्म हो गया स्कूल मेरा, तो उसके बाद फिर मेरी दीदी है वो फोन करके बताया, तो फिर पता चला। बहुत ही हृदय विदारक घटना है, हम समझ सकते हैं आप लोग। सबकी पढ़ाई लिखाई पिता के ड्राइवरी से होने वाली आय से ही हो रही थी। घर के एकमात्र कमाऊ की इस हृदय विदारक मौत से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों के दारुण चित्कार से समूचे इलाके का माहौल गमगीन है। मृतक की पत्नी लालपरी देवी रह रहकर बेहोश हो रही है और उसे रुक रुक कर पानी चढ़ाया जा रहा है। वहीं पुत्र पुत्री एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सबके जुबान पर ईश्वर के इस अन्यायपूर्ण निर्णय को लेकर दुख भरी बातें हैं। परिजनों ने ट्रक मालिक व कंपनी पर किसी भी प्रकार के सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। कहा है कि गाड़ी के मेंटेनेंस नहीं होने के कारण महेंद्र आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने गाड़ी मालिक से ट्रक के मेंटेनेंस करवाने के बाद ही ट्रक चलाने की बात कही थी, लेकिन गाड़ी मालिक ने जबरदस्ती उन्हें इस ट्रक को लेकर जाने को बाध्य किया, जिसके कारण वो दुर्घटना का शिकार बन गए। गाड़ी में मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ये दुर्घटना, उतना ज्यादा बड़ा दुर्घटना था नहीं, उतना बड़ा दुर्घटना नहीं होने के कारण ये मृत्यु नहीं होती, लेकिन गाड़ी मेंटेनेंस नहीं होने के कारण वो जो पीछे वाला ढाला होता है वो टूट करके शरीर पे गिर गया, जिस कारण ये मृत्यु। इस चीज की जानकारी नहीं मिली है कि मालिक कौन है, लेकिन आपके पिताजी के जो दोस्त जिन्होंने आपको सूचना दी थी आप लोगों को, उनसे क्या बात हुई है मालिक के बारे में, वो उन्होंने कोई जानकारी उपलब्ध कराई है? वो भी नहीं दी, वो सिर्फ नंबर दिए थे, वो मैनेजर का नंबर दिए थे। अच्छा, उनसे बात किए तो बोला है कि खत्म है पापा। और आर्थिक सहयोग के बाबत कोई बात नहीं हुई? कुछ है? नहीं बात हुई, हम बात किए हैं कि वहाँ का जो मुआवजा का क्या आती है, तो बोलता है कुछ नहीं होने वाला है, तुमको गाड़ी में आग लगाना है, गाड़ी में आग लगा दो, गाड़ी में कुछ करना कर दो, एक रुपया नहीं देंगे। तो ये बेबसी जाहिर कर रहे हैं उनके जो पुत्र हैं, गाड़ी मालिक का तो पता ही नहीं चल पा रहा है, और जो प्रबंधक से बात हुई है उनका सख्त कहना है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि कोई भी ऐसी मुआवजा या क्षतिपूर्ति उनको नहीं दी जाएगी, जो सरासर अन्याय है और जिसके लिए यह परिवार जो है गुहार लगा रहा है। और वास्तविकता भी है, जिस तरह की स्थिति आज आर्थिक संकट की स्थिति इन लोगों के समक्ष उत्पन्न हो गई है, उसमें यह जरूरी भी है कि इस परिवार को कुछ सहयोग और मुआवजा दी जाए।